हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं बूलियन अलजेब्रा। तो दोस्तों, बूलियन अलजेब्रा के लिए हम कुछ थ्योरम्स प्रूफ कर रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एग्जाम्स हमको यूज़ करने रहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पहला पार्ट ए प्रूफ करते हैं। यहां पर हम लेते हैं LHS। LHS हमको दिया हुआ है A प्लस A डॉट B। ओके, अब हम यहां पे क्या करते हैं, देखिए। अब यहां पर आप देखिए तो आइडेंटिटी लॉस आपको मिलेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, A इक्वल A डॉट 1, मीन्स यदि आप ए डॉट वन लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तब हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डॉट वन, प्लस में क्या चल रहा है, ए डॉट बी। किस रूल से हमने किया इसको, बाय आइडेंटिटी लॉ। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो रहा है कि यदि ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी है, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। पहला एलिमेंट क्या है ए, दूसरा एलिमेंट वन और थर्ड एलिमेंट क्या है बी। तो तीन एलिमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डॉट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ए डॉट बी और ए डॉट सी से, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको आप क्या ले सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी। तब हम इसको क्या लिखेंगे, ए डॉट वन प्लस बी। ओके, ये किसके थ्रू हुआ हमारा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद ए डॉट, अब यहां पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जो एलिमेंट है उसका आप ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वन प्लस बी को हम बी प्लस वन लिख सकते हैं, यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नाउ इससे पहले हमने एक और थ्योरम प्रूव की थी बाउंडेडनेस लॉ के लिए, जो यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रही है, बाउंडेडनेस लॉ। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एलिमेंट में यदि हम और ऑपरेटर यूज करके प्लस, मतलब और ऑपरेटर से वन करते हैं, ए प्लस वन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन ही आएगा। तो यहाँ पर आप इसका कंपेयर किससे कर सकते हैं, बी प्लस वन से। यहाँ पे ए की जगह क्या है, बी है। तो यदि ए प्लस वन इक्वल टू वन आता है, तब बी प्लस वन इक्वल टू भी क्या आएगा, वन आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए डॉट वन, यूजिंग बाउंडेडनेस लॉ इक्वल। अब ए डॉट वन, तो यहाँ पे देखिए फिर से आइडेंटिटी लॉस लग सकता है। ए डॉट वन इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए, यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। अब हम क्या लेके चले थे, LHS ए प्लस ए डॉट बी लेके चले थे, और हमको क्या लाना था, ए लाना था, जो कि हम यहाँ पे ले आए हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, आर एच एस, हेंस ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं LHS। LHS आपको दिया हुआ है ए डॉट ए प्लस बी इक्वल। अब यहां पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी लॉस। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, मीन्स यदि आप ए के स्थान पर ए प्लस जीरो रखते हैं तो ये बराबर रहता है। तो हम यहाँ पे ए के जगह क्या रख सकते हैं, ए प्लस जीरो रख सकते हैं। तो ए प्लस जीरो हो गया डॉट
ए प्लस बी बाय आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पे फिर से तीन एलिमेंट हो गए हैं, ए, जीरो और बी। तो तीन एलिमेंट का कंपेयर हम करते हैं इस रूल से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिखा हुआ है, ए प्लस जीरो डॉट ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डॉट सी, बी की जगह यहाँ पे क्या है, जीरो। तो क्या आ जाएगा, जीरो डॉट और यहाँ पे सी की जगह क्या है, बी। तो जीरो डॉट बी। ओके, कंपेयर करें तो हमने क्या देखा कि ए प्लस बी है, मतलब बी की जगह यहाँ पे क्या है, जीरो है, और ए प्लस सी, सी की जगह क्या था, यहाँ पे बी था। तो किस तरह से बन गया ये, ए प्लस जीरो डॉट बी बन गया, किसके रूल के थ्रू, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पे ए प्लस जीरो डॉट बी, इसको कम्यूटेटिव लॉ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी डॉट जीरो यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, बी डॉट जीरो हो गया है। तब पिछले वीडियो में हमने थ्योरम प्रूफ की थी बाउंडेडनेस लॉ की, तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ए डॉट जीरो इक्वल जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि आप किसी एलिमेंट के साथ डॉट ऑपरेटर करते हैं जीरो का, तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तब हम यहाँ पे बी डॉट जीरो इक्वल टू भी क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे यूजिंग बाउंडेडनेस लॉ। ठीक, अब इसके बाद फिर से हम कहाँ आते हैं, आइडेंटिटी लॉस में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए प्लस जीरो इक्वल टू ए हो जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। अब हम यहाँ पे देखिए, ए डॉट ए प्लस बी लेकर चले थे, और हमने क्या लिया, ए यहाँ पर लेकर आ गए हैं, दैट मीन्स आर एच एस हमने यहाँ पे निकाल लिया है। हेंस ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देख लिया है हमारे दोनों पार्ट, ये था हमारा एब्जॉर्प्शन लॉस। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।